हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम फ़िश को यानी मछली को दूध के साथ या फिर किसी और डेयरी प्रोडक्ट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, मैं आज इससे रिलेटेड सारा डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यस, ये सबसे बड़ा मिथ है, मैं इसको बर्स्ट करने वाला हूँ कि दूध के साथ यानी किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ अगर आप फिश या फिर इवन चिकन भी लेते हैं उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बड़ा मिथ है। इवन अगर हम इंडिया के साउथ साइड में जाएँ, इवन सदर्न ईस्ट साइड में भी जाएँ, वहाँ पे डिशेस कुछ ऐसे बनती है जिसमें फ़िश के साथ दूध को मिलाया जाता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हमारे घर में कभी बार ऐसा भी बनता है कि चिकन में हम क्रीम वगैरह मिला लिया करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बड़ा मिथ है। लोगों का ये कहना होता है कि अगर किसी फ़िश के साथ अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे स्किन में पैचेस पड़ती हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस पर कोई भी साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है जो कि इस चीज़ को प्रूव करे कि फ़िश के साथ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेने से आपको ये बीमारियां होती है या फिर कोई डिजीज़ होती है। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ ऐसा नहीं है, कोई भी साइंटिफिक सर्चेस ऐसा नहीं है। इवन मेडिकली भी ये चीज़ कहीं पर भी क्लेम्ड नहीं है कि दूध के साथ फ़िश वगैरह लेने से ऐसा कुछ होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड अगर कोई बोलता है कि किसी को फ़िश के साथ दूध लेने से दिक्कत होती है तो हो सकता है उसको फ़िश से या फिर जो भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट से अलग से दिक्कत हो, या फिर उसको जो एलर्जी होती है उस प्रोडक्ट से हो, या फिर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। तो ये रीजंस होते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन दूध या फ़िश का जो कॉम्बिनेशन है इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी तक प्रूवन नहीं है। सो गाइस, आज की ये शॉर्ट वीडियो तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।